एक महीने चलने वाले माघ मेला के दिन आज 24 तारीख को मौनी अमावस्या का स्नान किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग काशी के घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से वीडियो में पूरे घाटों पर चारों तरफ श्रद्धालु ही नज़र आ रहे हैं। ऐसे में 4 बजे भोर से ही श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाना शुरू कर दिया था और सभी घाटों पे नहाने वालों की भीड़ देखी जा सकती थी। प्रयागराज इलाहाबाद में संगम स्नान के बाद बड़ी संख्या में लोग काशी में भी स्नान कर पुण्य के भागी बनते हैं और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर बिना कुछ बोले घर से निकलकर माँ गंगा का स्नान किया जाए तो उसका और अधिक फल मिलता है और हमेशा से लोग मौनी अमावस्या पर इस तरह से गंगा स्नान करते हैं। यहाँ का महत्व आज मौनी अमावस्या है, इसीलिए लोग अपना यहाँ स्नान ध्यान करने आते हैं और मन को शांति मिलती है। कितने वर्षों से आप स्नान कर रही हैं? यहाँ तो अभी समझ लीजिए 20 साल हुआ। 20 साल से यहाँ से? हाँ, इसके हाँ हाँ। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप 20 साल से आ रहे हैं तो इस बार दर्शनार्थी जो स्नान करने वाले हैं वो काफ़ी कम है? हाँ, इस बार कम है, भीड़ कम है। ये असली नान प्रयाग घाट इलाहाबाद का है, लेकिन प्रयागराज का जो स्नान है वो प्रयाग घाट में यहाँ वहाँ ना नहा कर यहाँ प्रयाग घाट पर सब लोग नहाते हैं कि वहाँ का यहाँ मिला हुआ रहता है जल, इसलिए पवित्र इसको प्रयाग घाट का बोला जाता है कि मौन होकर घर से निकले और गंगा स्नान करने के बाद। नहीं तो घर से नहीं हो पाता है, घर से कहाँ हो पाएगा, ऑटो पकड़ना है तो बोलना ही पड़ेगा, भाड़ा देना है बोलना ही पड़ेगा, इसलिए नहाते समय बस नहीं बोला जाता है। हाँ, श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह स्वयंसेवी संगठनों ने चाय व नाश्ते का भी प्रबंध किया था। कहीं लोगों को पूरी कचौड़ी दिया जा रहा था तो वहीं कहीं लोगों को चाय का वितरण किया जा रहा था। आज मौनी अमावस्या पर्व जो है माघ मास में होने से इसका समस्त मनोकामना का पूर्ति और इसमें गुप्त दान का भी महत्व होता है। सभी लोग आते हैं इसमें स्नान करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं अपने शक्ति अनुसार। कितने लोग इसमें गुप्त दान स्वर्ण चांदी में दान करते हैं और इसका दान मौन होने से करने से उसका विशेष फल प्राप्त होता है। क्यों? अर्थात माने घर से चलने से स्नान करके दान करने तक और दर्शन करने तक इतना तो कम से कम मौन रहना चाहिए, इससे करने से उसका फल की प्राप्ति अधिक हो जाती है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और आज का दान और इस जगह अर्थात ये जगह दशाश्वमेध प्रयाग घाट का स्नान का महत्व लाखों करोड़ों तीर्थयात्राओं से अधिक गुना इसका फल मिलता है, इसलिए इस पर्व को बड़े धूमधाम से सभी यात्रियों का आगमन द्वारा मनाया जाता है। धन्यवाद। कब से स्नान शुरू हुआ है? आज जो है 4 बजे भोर से स्नान चालू हो गया है और आज जहाँ तक सभी दिन भर रहेगा, शाम तक स्नान इसका महत्व रहेगा। फिर भी हमारे हिसाब से पूरा 80 जगह अगर सभी घाटों को तीर्थयात्रियों की संख्या की जाए तो कम से कम 5 लाख 4 लाख के लमसम होंगे।